स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। गौरतलब है, आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला के विकास खंड निवास औद्योगिक क्षेत्र ग्राम पंचायत मनेरी के सर्व आदिवासी समाज महापंचायत के प्रतिपालन में पीड़िता के गृह ग्राम कटंगी में रविवार को सामाजिक बैठक कर स्वजाति ऋतु स्वयं पीड़िता को सर्व आदिवासी समाज न्याय दिलाने व सर्व आदिवासी समाज का दोषी घनश्याम सूर्यवंशी को जेल पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर लगभग 40 गांव के लोगों के द्वारा महापंचायत की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि आने वाले दिन मंगलवार को जन सुनवाई में मंडला कलेक्टर व एसपी कार्यालय जाकर परिवार जनों के साथ ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा लगभग 2 सप्ताह हो चुका है एफआईआर दर्ज हुए, लेकिन अभी तक 376/2.85 जैसे मामले पर भी पुलिस प्रशासन मौन चुप्पी साधे हुए होने का क्या मतलब है। यह मामला तेजी से सुर्खियों में चल रहा है। उक्त मामला को लेकर उन्होंने कहा यह मामला सर्व आदिवासी के लिए निंदनीय है, पुलिस प्रशासन नियम के तहत जल्द संज्ञान में लेना चाहिए। बता दे, निवास विकासखंड के ग्राम मनेरी निवासी घनश्याम सूर्यवंशी जनपद पंचायत निवास उपाध्यक्ष के द्वारा आदिवासी समाज की लड़की को शादी के झांसा देकर यौन शोषण व डरा धमकाकर अपने कब्जे में करने के जुर्म में गिरफ्तार किए जाने गांव गांव हो रही मांग को लेकर माननीय जिला दंडाधिकारी जी को ज्ञापन सौंपते हुए गिरफ्तार कर जिला बदल की कार्यवाही की मांग की जा रही है, जिसमें समस्त मंडला जिला के आदिवासी समाज भारी जन समूह के साथ निवास में शुक्रवार को धरना देने की मांग की जानी है। आज किस विषय में बैठक थी? देखिए, ये हम लोगों सोशल मीडिया के माध्यम से एक घटना हम लोगों ने देखा था, जिसके संबंध में अभी विगत 11 तारीख को भी हम गोरामगढ़ी में बैठे थे। घनश्याम सूर्यवंशी का मामला है और एक आदिवासी बच्ची का। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो यहाँ आज की जो बैठक रखी गई थी, तो और हम लोगों ने जो ज्ञापन सौंपा था 11 तारीख को पुलिस प्रशासन, पुलिस चौकी मनेरी को, कि 3 दिवस के अंदर जो संबंधित आरोपी है सूर्यवंशी नगर पालिका और नगर पंचायत उपाध्यक्ष, उसको शीघ्र 3 दिवस के अंदर गिरफ्तार की जाए, क्योंकि उसके ऊपर विभिन्न जो धाराएं लगी हैं महिला से संबंधित 376/376N इस तरह के जो सेक्शन चार्ज किए गए हैं। तो उसकी गिरफ्तारी के लिए हमने ज्ञापन भी दिया था और आज भी उसी विषय में हम लोग यहाँ काफ़ी दूर दूर गांव से लोग आए हैं, मेरे को लगता है 15-20 गांव के लोग इकट्ठे हैं, और हम भी चाहते हैं कि उसकी शीघ्र गिरफ्तारी होगी संबंधित अपराधी की, और जिसने जो कुकृत्य किया है वो निश्चित रूप से समाज की तरफ निंदनीय है, और ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहिए और उसके मकान में बुलडोजर चलना भी चाहिए। इससे पहले किसी जगह पर आपने आवेदन वगैरह दिए हैं ऐसा कुछ? जी हाँ, जो गौरामगढ़ी में बैठक हुआ था महापंचायत के माध्यम से, और अभी तक हम सब समाज बैठ के और जानकारी लिया, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इस टाइप से हम एक ज्ञापन सौंपे हैं मनेरी चौकी थाना विजयडांडी में कि 3 दिन के अंदर गिरफ्तार किया जाए, और अभी तक हम देखे कि अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। फिर दोबारा बैठ के अब बहुत बड़ी धरना आंदोलन करने की तैयारी चल रहा है। अभी SDM को मंगलवार को जा रहे हैं, वहां से तय हो जाएगा जिस डेट फिक्स की किस दिन आंदोलन करना है। बोलो। तो इसी प्रकार से आप सब लोग देख पा रहे हैं, आज सर्व आदिवासी समाज एक बार फिर से उसके गृह ग्राम में बैठक हुई और बैठ करके यह निचोड़ निकाला गया कि आने वाले मंगलवार को कलेक्टर महोदय जी के सामने भी उनकी माँ है, उसका भाई है, ये दोनों प्रत्यक्ष रूप से आवेदन में मांग करेंगे उनकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी हो।